तो बाल को हमने देखा था पिछली वीडियो में, हमने देखा जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन का हमने फर्स्ट स्टेप उसमें देखा था ट्रांजिशन मेथड, ठीक है ना। ट्रांजिशन मेथड आपसे ये कह रहा था जो प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर था उसको कौन रिप्लेस कर दे, प्यूरीन के द्वारा रिप्लेस कर दीजिए। पिरिमिडिन बेस पेयर था, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर था, उसको पिरिमिडिन के द्वारा अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो इस प्रकार का जो म्यूटेशन था वो कहलाता है आपका ट्रांजिशन म्यूटेशन। क्या कहलाता है? ट्रांजिशन म्यूटेशन, ठीक है ना। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन, ठीक है ना। ट्रांसवर्जन म्यूटेशन आपसे ये कहता है, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन जो है आपसे ये कहता है कि इसमें प्यूरीन जो आपका बेस पेयर था, ठीक है ना, इसको रिप्लेस किसके द्वारा, किसके साथ कर दिया जाए, पिरिमिडिन के साथ। इसको किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडिन। और यहाँ पे जो पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर था इसको किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, प्यूरीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। तो इस प्रकार का जो आपका वो कहलाता है, ये म्यूटेशन कहलाता है, ठीक है ना, जीन म्यूटेशन कहलाता है, वो ट्रांसवर्जन म्यूटेशन कहलाता है। जैसे कि एक कंडीशन हम बनाते हैं यहाँ पे, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ठीक है ना, ए टी जी सी, ए टी जी ए टी जी ए टी जी सी, ठीक है ना। तो इसमें जो था, इसमें जो सी था इसको किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, ए के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। ए क्या है? एक प्यूरीन है। सी क्या है? एक पिरिमिडिन है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इसीलिए पिरिमिडिन है, ए क्या है? एक प्यूरीन है। तो मैंने कहा था पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर था साइटोसिन, उसको किसके द्वारा रिप्लेस करा गया, प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड के साथ, प्यूरीन एडिनिन न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। तो इस प्रकार का आपका वो जीन म्यूटेशन कहलाएगा ट्रांसवर्जन। इस प्रकार का जीन म्यूटेशन आपको कहलाएगा ट्रांसवर्जन कहलाएगा, ठीक है ना। ओके, तो थर्ड की अगर बात की जाए, थर्ड कहलाता है आपका फ्रेम शिफ्ट, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है ना। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ये कहता है आपका, अगर मान लो एक जीनोम सिक्वेंस, एक जीनोम, या बोल सकते हैं और भी अच्छी भाषा बोल जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो जाए तो आपका पूरा का पूरा मतलब फ्रेम चेंज हो जाएगा। अगर मान लो मैं इस कंडीशन में इस एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, ये जो तीन का बन रहा है कैट जिसे लिखा हुआ है सी ए टी, ठीक है ना, साइटोसिन एडिनिन और थायमिन, इन तीनों के स्थान पर कुछ और आ जाए या नया आ जाए, कुछ और आ जाए या नया आ जाए, या तीनों के तीनों क्या हो जाए, यहाँ से हट जाए, डिलीट हो जाए, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, पूरा का पूरा फ्रेम क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाएगा, एक किसी दूसरी जगह आ जाएगा, किसी दूसरी जगह से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का म्यूटेशन कहलाएगा आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इस प्रकार का म्यूटेशन कहलाएगा आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसे कि हम कंडीशन बना सकते हैं, सी ए टी सी ए सी ए टी सी ए टी, ठीक है ना। इसको अगर बनाया जाए फ्रेम शिफ्ट की फॉर्म में, सी ए टी ए टी सी सी ए सी ए टी सी ए टी, ठीक है ना। तो अब ये कंडीशन देख सकते हैं, देखो सी ए टी सेम है, फिर यहाँ पे सी ए सी सी ए सी, ये जो मतलब ए टी सी वाला जो फॉर्म है ये क्या है, किसी दूसरी कंडीशन से यहाँ पर आ गया। पूरा का पूरा जो ये था न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, या ये क्या था, शिफ्ट हो गया है, चेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो क्या था, सी ए सी, इन सब के बीच में यहाँ इस कंडीशन में कोई नया न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरों को सीक्वेंस था, वो आकर क्या हो गया, जुड़ गया है। तो इस प्रकार के अपन म्यूटेशन को क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इस प्रकार के म्यूटेशन को हम लोग बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है ना। तो फोर्थ नंबर की कंडीशन हम वो बोलते हैं
फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर की कंडीशन के लिए हम बोलते हैं कौन सा, नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है, नॉनसेंस म्यूटेशन को एक्चुअल में बोला जाता है स्टॉप म्यूटेशन। ठीक है ना, स्टॉप म्यूटेशन क्या करता है, कोई भी प्रोटीन के फॉर्मेशन को टू स्टॉप प्रोटीन फॉर्मेशन। ऐसा कोई भी जीन सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड जो कि क्या कर दे, आपके प्रोटीन फॉर्मेशन को कर दे, बाइंड कर दे या रोक दे। ठीक है ना, तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉनसेंस म्यूटेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, नॉनसेंस म्यूटेशन। जैसे कि लास्ट ईयर हमने पढ़ के आए हैं जेनेटिक कोड बन के आए, उसमें ओपल अंबर और ओक्र तीन प्रकार के कोड ऐसे पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन को कर देते हैं, रोक देते हैं, बिल्कुल बाइंड कर देते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल की बिल्कुल क्या कर देते हैं, जैक कर देते हैं, हैक कर देते हैं। इसी जैसे कि UAG वगैरह, ठीक है ना, तो इनको बोलते हैं स्टॉप कोडोन भी बोलते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं स्टॉप कोडोन। इधर से ही हमने नाम निकाला है स्टॉप म्यूटेशन। क्या नाम निकाला है, स्टॉप म्यूटेशन हमने क्या निकाल दिया, नाम निकाल दिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार का म्यूटेशन कहलाएगा आपका नॉनसेंस म्यूटेशन, इस प्रकार का म्यूटेशन कहलाएगा आपका नॉनसेंस म्यूटेशन। तो एक बार हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन। मैंने पहले वाले में क्या कहा था, लास्ट तक हम देख लेंगे, एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या कंडीशन है हमारे पास। पहली आपकी फॉर्म थी क्या ट्रांजिशन म्यूटेशन की। इन दिस प्यूरिन ऑफ वन स्ट्रैंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन। प्यूरिन को कौन रिप्लेस करेगा, प्यूरिन ही रिप्लेस करेगा। प्रिमिडिन को कौन रिप्लेस करेगा, प्रिमिडिन ही रिप्लेस करेगा। ठीक है ना, प्यूरिन को कौन रिप्लेस करेगा, प्यूरिन प्रिमिडिन को कर रहा है, प्रिमिडिन। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था प्यूरिन को प्यूरिन ने, प्रिमिडिन को प्रिमिडिन ने किया। ठीक है ना, और टी क्या होता है एक प्रिमिडिन बेस पेयर है, प्रिमिडिन नाइट्रोजनस बेस पेयर है। वो साइटोसिन क्या है, ये भी क्या है, एक प्रिमिडिन बेस पेयर है। ठीक है ना, ये भी क्या है, एक प्रिमिडिन बेस पेयर है। तो प्रिमिडिन को प्रिमिडिन ने कर दिया, क्या रिप्लेस कर दिया, तो इस प्रकार का कहलाएगा आपका ट्रांजिशन जीन म्यूटेशन। क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन जीन म्यूटेशन। फिर सेकंड नंबर पे हमने बात की किसकी, ट्रांसवर्जन की। किसकी बात की, ट्रांसवर्जन की बात की। इन दिस प्यूरिन ऑफ वन स्ट्रैंड इज रिप्लेस्ड बाय प्रिमिडिन और प्रिमिडिन बाय प्यूरिन। प्यूरिन को प्रिमिडिन ने बदला, प्रिमिडिन को प्यूरिन ने बदला। यहाँ पे सी था एक क्या आपका, प्रिमिडिन। ठीक है ना, इसको किसने बदल दिया, यहाँ पे ए ने बदल दिया, जो कि क्या है, एक प्यूरिन है, जो कि क्या है, एक प्यूरिन है। ठीक है ना, तो यह आपका हो जाता है ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। फिर हमने बात की फ्रेम शिफ्ट के लिए हमने बोला क्या, इस कंडीशन पर, यहाँ पे एक मैं एरो भी लगा देता हूँ लोग, इस कंडीशन पर यहाँ पे ATC ये क्या हो गया, पूरा का पूरा एक जीनोम सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आकर यहाँ पे जुड़ गया। तो किसको बोल सकते हैं हम, एक फ्रेम क्या हो जाए, यहाँ पे जुड़ जाए। ठीक है ना, द फ्रेम ऑफ रीडिंग ऑफ कंप्लीट जीन एंड द कोड्स ऑफ जीन इज चेंज ड्यू टू लॉस और गेटिंग, मतलब या तो कमी से या वृद्धि से, ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए, उसके कारण कोई भी फ्रेम था या जीनों का सीक्वेंस था वो आकर जुड़ जाए, हट जाए। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम लोग में बोला है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बोला है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फोर्थ कंडीशन आती है आपकी नॉनसेंस की। क्या आती है, नॉनसेंस की। द जेनेटिक कोड्स चेंजेस इन सच टाइप दैट इन हाफ वे इट बिकॉज स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन को क्या बोला हमने, नॉनसेंस कोडोन भी बोलते हैं। देन नो एनी प्रोटीन इज फॉर्म्ड, जिससे क्या हो जाता है, प्रोटीन फॉर्मेशन बिल्कुल की बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। GAA जैसे कि यहाँ पे UAA आया एक, ठीक है ना, जैसे कि क्या है यहाँ पे UAA, GAA को किसने रिप्लेस कर दिया, UAA ने रिप्लेस कर दिया। UAA किसका काम करता है, प्रोटीन को स्टॉप करने का, प्रोटीन फॉर्मेशन को स्टॉप करने का काम करता है, इसीलिए इसको बोल दिया नॉनसेंस कोडोन। द प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप्स बिकॉज UAA इज नॉनसेंस कोडोन, प्रोटीन स्टॉप कोडोन। ठीक है ना, फिर अगर बात की जाती है कुछ फैक्टर्स की, हम लोग बात कर सकते हैं
जो कि क्या करते हैं, जीन म्यूटेशन को इफेक्ट करते हैं। फीचर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। फीचर्स, जीन म्यूटेशंस आर कम्प्लीटली अनसर्टेन, मतलब जीन म्यूटेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी तक, जीनों में किसी प्रकार से कोई भी चेंज आना, ये क्या होता है, अनसर्टेन होता है, मतलब कोई भी निश्चित नहीं है ये कहाँ पर होगा। हमने इसके लिए कंडीशन देखी, यहाँ पर टी पर भी हो सकता था, यहाँ पर सी में भी हो सकता था, यहाँ पर ए में भी हो सकता था, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कहीं पर भी। तो ये क्या था, अनसर्टेन था, मतलब अनिश्चित प्रकार का है। सेकेंड नंबर पर आए, जीन म्यूटेशन कैन टेक्स प्लेस विदाउट एनी प्रिडिक्शन, मतलब इसकी कोई पहले ही भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जीन म्यूटेशन कैन टेक प्लेस विदाउट एनी प्रिडिक्शन, ये कहीं पर भी हो सकता था बिना किसी भविष्यवाणी की, ये कहीं पर भी हो सकता था बिना किसी भविष्यवाणी के, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आते हैं, एनी वन जीन कैन बी म्यूटेटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कोई भी जीन है, ठीक है ना, वो क्या हो सकता है, म्यूटेंट हो सकता है, मतलब म्यूटेशन कर सकता है, ठीक है ना। म्यूटेंट जीन कैन रिमेन इन वाइल्ड टाइप फॉर सम टाइम, बहुत कई बार क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बार हो जाएगा, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं वाइल्ड टाइप। क्या बोलते हैं, वाइल्ड टाइप, बहुत ज़्यादा बार किसी भी क्रोमोसोम के अंदर ये म्यूटेशन कर देता है तो, ठीक है ना। जीन म्यूटेशन इज़ यूनिडायरेक्शनल, आफ्टर कम्प्लीटिंग इन वन सिचुएशन इट कैन अगेन म्यूटेंट टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। यूनिडायरेक्शन का मतलब होता है एक ही दिशा में चलना, यूनिडायरेक्शनल होता है एक कंडीशन, एक होती है बाईडायरेक्शनल। बाईडायरेक्शनल कहती है दो दिशाओं में चलना, जैसे कि एक चल जाए आगे एक चल जाए पीछे, लेकिन म्यूटेशन क्या होता है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही दिशा में आगे बढ़ता हुआ पाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ ए टी जी सी की कंडीशन बनाई है, तो पहले अगर टी में हो गया तो ये वापस से पीछे की तरफ नहीं हो सकता, वापस से पीछे की तरफ नहीं हो सकता, हमेशा किस तरफ पाया जाएगा, आगे की तरफ ही पाया जाएगा। एक टी के बाद में ये चांस है कि वो सी में हो जाए या ए में हो जाए, लेकिन ये चांस कभी नहीं बनता कि वो इस वाले ए में हो जाए, तो इसलिए बोलते हैं इसको क्या, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल। ऑलमोस्ट ऑल जीन्स प्रेजेंटली फाउंड इन अबाउट ऑल लिविंग्स आर म्यूटेंट फॉर्म ऑफ ओरिजिनल जीन, ये कह रहा है कोई भी जो जीन है, ठीक है ना, लिविंग्स में क्या हो सकता है, उन सब के सब में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो सकता था, उन सब के सब में क्या हो सकता था, म्यूटेशन हो सकता था। सम म्यूटेंट फॉर्म्स आर डोमिनेंट, कभी कभी जो म्यूटेंट फॉर्म होगी, मतलब म्यूटेशन के बाद में जो जीन बन के आएगा वो क्या हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता था, मतलब अपने करेक्टर को कर दे, शो कर देगा, ठीक है ना। और कभी कभी ये रिसेसिव फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब अपने करेक्टर को क्या कर दे, ये शो नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, सम म्यूटेंट फॉर्म्स आर डोमिनेंट विच डेफिनेटली चेंज द एक्सप्रेशन ऑफ दियर ट्रेट, ट्रेट का मतलब होता है करेक्टर, ठीक है ना। तो मैंने भी यही कहा है कि कुछ जो कंडीशन होती हैं, जो डोमिनेंट कंडीशन में, वो क्या कर देंगी, किसी भी जीन की एक्सप्रेशन को जीन की एक्सप्रेशन को कर देंगे, जीन के करेक्टर को कर देंगे, चेंज कर देंगे म्यूटेशन के कारण। वेयर एज सम म्यूटेंट फॉर्म्स आर रिसेसिव, रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी, जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, एज दियर एक्सप्रेशन इज सप्रेस्ड बाय दियर डोमिनेंट फॉर्म, जिसमें क्या हो जाए, डोमिनेंट फॉर्म किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को कर दे, रिप्रेस कर दे, मतलब दबा दे, उसके एक्सप्रेशन को दिखाई ना देने दे, तो इस कंडीशन को बोल सकते हैं रिसेसिव जीन म्यूटेशन। तो नेक्स्ट नंबर पे लिया जाए, मोस्टली द म्यूटेशंस आर हार्मफुल, ज़्यादातर क्या होंगे सारे के सारे हार्मफुल होंगे टू ऑर्गेनिज़म्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म के लिए म्यूटेशन क्या होंगे, ज़्यादातर हार्मफुल होंगे। बिकॉज सेल स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, सो क्योंकि सेल स्ट्रक्चर क्या होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ऊपर की तरफ अगर प्लांट की अगर बात करते हैं हम लोग, क्योंकि प्लांट में देखा था सबसे पहले, होता है एनिमल में भी है, मतलब लिविंग में सब में हो सकता था, इवन बैक्टीरिया में। तो सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्स की हमने बात किया था, जैसे कि ऊपर प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन पाई जाए, फिर सेल मेम्ब्रेन पाई जाए, फिर जेनेटिक मटेरियल हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हो, तो किसी के भी अगर जीनों के सीक्वेंस में चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा। सो एनी टाइप ऑफ चेंज इन दियर जीन इज़ हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव टू देम, तो चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर बात करते हैं फैक्टर्स की, जो जीन म्यूटेशन को करते हैं अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कुछ फैक्टर होते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, जैसे कि सूर्य के प्रकाश से जो रेज आती हैं, जो कि क्या कर देती है, स्किन में डिजीज कर देती है, सनबर्न कर देती हैं,
ठीक है ना। तो इनमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो कि कर सकती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं आँखों की रोशनी का जाना, अगर सूरज को तेज खुली आँखों से देख लिया जाए तो उसका रीज़न हो सकता है कि उसकी जो आइज होती हैं जो इनके रॉड्स और कोन्स के लिए पाई जाती हैं, ठीक है ना, इनके जीनों में क्या हो जाते हैं चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण क्या हो जाए रोशनी चल जाए। और भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज इमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सस्टेंस, कोई भी रेडियो एक्टिव सस्टेंस है जिससे कि अल्फ़ा बीटा और गामा रेज निकल रही है, वो क्या होंगी म्यूटेशन को हेल्पफुल होती है, मतलब म्यूटेशन को इफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। अगर ये पड़ेंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म पे तो ये म्यूटेशन कर सकती हैं। फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, कोई भी मान लो एटम है, अगर एटम में कराया जाए तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। फिर आता है बात जैसे कि कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि कुछ क्या होते हैं केमिकल्स, जैसे कि मस्टर्ड गैस, जैसे कि क्या होती है मस्टर्ड गैस होती है और एक्टिनोमाइसिन होता है, ठीक है ना, क्या होती है एक्टिनोमाइसिन होती है। तो इस प्रकार की गैसें क्या कर सकती हैं, किसी भी म्यूटेशन को चेंज कर सकती हैं, म्यूटेशन को इफेक्ट कर सकती हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर देती है। इंक्रीज टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या कर सकते हैं अपन, म्यूटेशन की रेट को भी बढ़ा सकते हैं, मतलब म्यूटेशन को होने वाले चांसेस को भी क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो फैक्टर के रूप में हमने बोला नॉर्मल अल्ट्रावायलेट रेज, अल्फ़ा बीटा गामा रेज, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, कुछ केमिकल्स जैसे कि मस्टर्ड गैस की बात की, और फिर हमने टेम्परेचर की बात की, तो हो जाते हैं आपके फैक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। थैंक यू।